वाराणसी से अंकुर मिश्रा की रिपोर्ट। आदमपुर चौकी इंचार्ज ने ड्रोन कैमरे से लॉकडाउन तोड़ने वालों पर रखी नजर। वाराणसी लॉकडाउन के बावजूद घरों से बाहर निकलकर धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर मंगलवार को आदमपुर पुलिस ने ड्रोन से ऐसे लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। आदमपुर थाने के अंतर्गत कई घने मोहल्ले भैंसासुर, भदौ, चुंगी, रेलवे कॉलोनी, वसंत कॉलेज, पिकेट, सेवमंडी आदि इलाकों में सब इंस्पेक्टर रमेश यादव ने टीम के साथ ड्रोन कैमरे उड़ाकर जायजा लिया। आदमपुर थाना अंतर्गत आदमपुर चौकी प्रभारी रमेश यादव ने बताया कि खासकर गली मोहल्लों में लॉकडाउन तोड़ते हुए लोग गली मोहल्लों में झुंड लगा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए आदमपुर थानांतर्गत कई मोहल्लों के ऊपर ड्रोन कैमरे से उन पर नजर रखी गई। इससे घर से बाहर निकल रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं आदमपुर चौकी प्रभारी रमेश यादव के द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए यह सभी के हित में है कि वो लॉकडाउन के तहत घरों के अंदर ही रहें और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रहें। लॉकडाउन के नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।